नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में, और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में हमारी आज की मेहमान है उत्तराखंड की जानी मानी गायिका बसंती बिष्ट। बसंती बिष्ट जी का मैं अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। नमस्कार बसंती जी। नमस्कार जी। बसंती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हम जैसे कलाकारों को आप ढूंढ ढूंढ के उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बसंती जी, मैं अपनी बात की शुरुआत ऐसे करूंगा कि ये जो कोरोना काल है, कोरोना काल जो चल रहा है, वो आपका कैसे गुजरा उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, और क्या क्या आप प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं इस टाइम पर एज ए आर्टिस्ट। प्रॉब्लम तो आर्टिस्ट को तो आपको पता ही है, प्रॉब्लम ही है। कुछ ना प्रोग्राम चल रहे हैं, ना रिकॉर्डिंग चल रही है, और हम लोग तो सदाबहार मतलब प्रोग्राम करने वाले सिंगर हैं। और मेरी ज़िंदगी में तो काफ़ी कुछ गुजरा पिछले कोरोना काल में। हस्बैंड भी गुजर गए थे, और आपको पता ही है संभालना कितना मुश्किल होता है। बड़ी मुश्किल से संभली हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही ये वो हुआ, वाक्य हुआ, काफ़ी हमारे कलाकार और म्यूजिक डायरेक्टर हमारे लाइन के चले गए इस दुनिया को छोड़ के। दुख है उनके लिए, मेरे को भी, उनमें से एक मैं भी हूँ, उनमें से एक आप भी हैं। अच्छा, ये तो कोरोना काल जो है, इसमें तो अब सारी दुनिया के साथ ये हो रहा है, और हर कलाकार इसमें मतलब कहेंगे पिस रहा है। पिस रहा है हर कलाकार, क्योंकि इसमें जो हमारी कंडीशंस हैं कि वहाँ पर भीड़ नहीं करनी, लोगों से मिलना नहीं है, और कलाकार के लिए तो स्टेज जरूरी है, लोगों का आना जरूरी है लोगों का आना, उसके बिना तो कलाकार अधूरा ही है। ये मेरे लिए ही नहीं है, हमारे म्यूजिशियन वाले, ढोल दमू वाले, डांसर ग्रुप के, मतलब कई लोग तो ऐसे ही हैं कि जिनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। बहुत बेरोजगार हुआ है इस लाइन की वजह से। अच्छा बसंती जी, अगर मैं बात करूं, मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपका ये जो संगीत का रुझान है, सिंगिंग का रुझान है, जो गाने का, वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे आपको सिंगिंग का रुझान हुआ, ये अगर हमारे दर्शकों को बताएं तो। मैं ये बताना चाहूँगी, पहले मेरे को बचपन से गाने का शौक़ था। जैसे हम नैननाथ रावल जी के, गोपाल बाबू गोस्वामी जी के सॉन्ग सुनते थे, तो बचपन में सोचा नहीं कि हम कभी, हमारी शादी होगी, हम दिल्ली जाएंगे और यहाँ तक पहुँच पाएंगे। और इसका मेन कारण दूंगी, एक भाई था मेरा दीवान, और एक धन सिंह बिष्टी जी हमारे बुराड़ी में रहते हैं, उनके जरिए मेरी शुरुआत हुई थी। मतलब जैसे मेरे हस्बैंड थे उस समय, उन्हें मेरे को दीदी बना रखा था, उन्होंने बोला जीजा जी कोई फोक सिंगर चाहिए हमें, कि जो गा सके ठेठ कुमाऊनी सॉन्ग। उन्होंने बोला यार सिंगर तो मैं नहीं जानता, लेकिन तेरी दीदी गुनगुनाती रहती है, अगर गाएंगी तो एक बार उनसे बात कर लो। तो मेरी फर्स्ट कैसेट की शुरुआत हुई थी वही हृदा कुमाऊनी से हुई थी। हाँ, हृदा कुमाऊनी, उस समय वही कंपनी थी, रामा थी एक, नीलम थी, पर ज़्यादातर पे वही थी कंपनी। हाँ, हृदा कुमाऊनी। तो मेरी पहली कैसेट बिराना कैसेट निकली थी धंधा के साथ में, उसमें सॉन्ग था मैं चल छू बिराणी तू चल से बिराना, यो भोपुर हूँ मरी जाना कल नहीं जाना। और लड़के का था मैं चल छू बिराना तू चल से बिराणी, यो बिराने देसा कल नहीं जाना। अच्छा, तो मैं यहाँ पर से आप एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि अगर आप इस गाने की दो लाइनें हमारे दर्शकों को सुना दें। बिल्कुल। मैं चल छू बिराणी तू चल छे बिराणा, मैं चल छू बिराणी तू चल छे बिराणा, भोपुर हूँ मरे जानो कैलनी जाना, भोपुर हूँ मरे जानो कैलनी जाना, मैं चल छो बिराणा तू चल छे बिराणी, मैं चल छो बिराणा तू चल छे बिराणी, यो बिराण देसा कैलनी जाना, यो बिराण देसा कैलनी जाना। ये मेरा पहला सॉन्ग था। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा गाया, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। थैंक यू, दिल को छूती है। मैं आपको थैंक यू बोलूँगा कि आपने इतना अच्छा गाना मुझे सुनाया। बसंती जी, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि जब आपका पहला कैसेट आ गया, कैसेट रिलीज़ हो गया, उसके बाद लोगों का क्या रिस्पांस था, और आपका ये सफ़र आगे कैसे बढ़ा? लोगों का रिस्पांस ये था, पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं आगे जाऊँगी। मैंने ये सोचा था चलो एक आध सॉन्ग गा लिया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे, मतलब आगे इतना वो भी नहीं था। लेकिन जब कैसेट चल गई और अच्छी चली, तो फिर डिमांड आने लगी। फिर फकीराजन चिन्याल जी भी आए थे, उनके साथ भी मतलब गाया था मैंने, फकीराजन चिन्याल के साथ में।
इच करो ना यादा लगी रही कुरा मजनु सासु मेहता अगो सतीवारा, ये मैंने उनके उसमें कैसेट में गाया। अच्छा, उनके साथ गया था। हाँ, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे मतलब सफ़र बढ़ते गया कि मतलब लोगों को आवाज़ पसंद आने लगी। फिर उत्तरांचल सीरीज से मेरी काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई, मेरे सोलो कैसेट ज़्यादातर पे उत्तरांचल से। हाँ, बहुत निकले सोलो कैसेट, जैसे भौजी मन मौजिया मेरी सुपर हिट कैसेट है, दाजू बॉर्डर माँ भौजी मैथमा कई, और भौजी गुलाम शर्मा भेरे कर दू दादी माँ जी सलामा, सरकारी नौकर तुम्हारी भौजी को गुलामा। अच्छा, और भौजी मन मौजिया सबसे सुपर हिट गई मेरी। अच्छा, तो उसका अगर एक दो लाइने को अगर अपने गाने की अगर हमारे दर्शकों को सुना दी, जी जरूर, सुपर हिट गाना है। हाँ जी, हाँ जी, और एक इसमें यह भी है मेरा, इसी में ये सॉन्ग भी है, दाजू जारी गुरना गोला भौजी फिल्म में, पहले मैं इसको सुनाऊंगी उसके बाद भौजी इसमें। जरूर जरूर। हाँ, इसको सुन। हाँ, ओ पूरा बजानी धूरा यो बसिरे कराली, हाँ बसिरे कराली, वो लौंडिया उमर तेरी भौजी तसी जय कराली। अरे दाजू जरी गुर न गला भौजी फिल्मा, कस जमानो एगो अमा लग सरे मा, दाजू जरी गुर न गला भौजी फिल्मा, कस जमानो एगो अमा लग सरे मा, आहा कस जमानो एगो अमा लग सरे मा, आय हाय कस जमानो एगो अमा लग सरे मा। ये गाना था, और उसके बाद मैं आपको दो शब्द भौजी मन मौजेगा, ये जैसे दाजू बॉर्डर में होते हैं उसमें हमेशा ये होता है दाजू मेरो फौजिया भौजी, भाभी मस्त रहती है, मन मौजिया होती है भाभी, तो उसके ऊपर बना रखे। आहा दाजू मेरो फौजिया भौज मने मौजिया, दिन में टकरार भेछो, आहा भौजी मेरी रिसह गए छो, आहा भौजी मेरी रिसह गए छो, दाजू मेरो फौजिया भौज मने मौजिया, दिन में टकरार भेछो, आहा भौजी मेरी रिसह गए छो, ओय होय भौजी मेरी रिसह गए छो। इसमें अंतरा जो है, हे इन टकरिया टकरियो मणी, दादली निकाली बंदूगा, वो भौजी मैं ते जाने फेंगे खोली है छो सिंदूगा। अरे दादसू मेरो फौजिया भौजी मने मौजिया, दिन में टकरार भेछो, आहा भौजी मेरी रिसह गए छो, ओय होय भौजी मेरी रिसह गए छो। ये बहुत सुपर हिट चला इसमें। अच्छा बसंती जी, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल ये पूछूं कि आपने संगीत कभी सीखा है कहीं से, या मतलब कुछ गॉड गिफ्टेड है, या सीखा है आपने, कुछ ट्राई कराया कहीं पर? ये तो आप ये लगा लो मेरा गॉड गिफ्ट है, किसी से नहीं सीखा, बस इतना है कि सीखा एक हिसाब से हमने सुन सुन के, वही नैनाथ रावल जी गोपाल बाबू गोस्वामी जी के सॉन्ग सुन सुन के हमने मतलब आगे मतलब उन्हीं के गाने गाते थे, जैसे पहले झोड़ा था गोविंदी तेर मैं तो को जो ग्यारह सौ चिमटा समा समा, इन गानों को ही सुनते थे हम। उस समय तो टेप रिकॉर्ड का ज़माना था, अगर कोई परदेशी भी अगर दिल्ली से आते थे ना, दूर से पता लगता था, वो खूब टेप चला के आते थे कि हाँ नैना रावल जी के गाने, गोविंदी हसकाट से यूं से बेटी, हाय हृदा गैड चलो से ती चलो से बक्सरे की लेना, सबसे फेमस नैना रावल जी। आजकल दुख होता है देखो, मतलब हमारे बहुत जाने माने सुपरस्टार है, बहुत पुराने बुजुर्ग है, उनको मतलब अभी तक कोई नेशनल अवार्ड जैसे गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कोई नहीं मिला, इस बात का नहीं मिली। मैन मानो वही जो हमारी जड़ है नैनाथ रावल जी हमारे कुमाऊं की तरफ से, और गोपाल बाबू गोस्वामी जी। तो ये मैं इसके ऊपर हमने कई मांग भी की उनकी, हर जगह हम मतलब डिमांड करते रहे, हमें ना दो बेशक लेकिन उनको सम्मानित कर दो आप एक बार। तो ये बात तो आपने बहुत सही बोली कि हाँ, जो हमारे लेजेंड है उनको 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 पूछना चाहिए, सरकार से सम्मानित होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को सम्मान नहीं मिलेगा तो ये चीज़ आगे हमारी जो उत्तराखंड की संस्कृति है वो आगे कैसे बढ़ेगी। आप ये मानिए कि आज के डेट में जिस हिसाब से हमारी संस्कृति की हालत है ना, हम भी आप सोच रहे कि हमने अपना इतना समय खाली व्यर्थ गवाया इस लाइन में, सच बताओ तो। क्योंकि देखिए एक बार हमने डिमांड की थी अभी लॉकडाउन में, गवर्नमेंट ने बोला कोई नहीं, हर कलाकार को हज़ार हज़ार रुपये दिए जाएंगे, कलाकारों की रिस्पेक्ट और इज्जत देखो इसमें क्या है,
1000 रुपये में क्या हजार होगा? रुपए में क्या होगा आज के डेट पे, हमारे सुबह से शाम तक तो 500 रुपये रोज का खर्चा मेरा ही है बच्चों का, तो 1000 रुपये से क्या होगा। मानो ठीक है, हम ये नहीं कहते कि हमारी रोजी रोटी है, हमें अपने लिए कमा रहे हैं, अपने लिए खा रहे हैं, लेकिन ये भी तो है, हमने एक तरफ से अपनी संस्कृति जिंदा रखी है, संस्कृति जिंदा रखी है, सही, लोगों तक, हजारों है ना, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हजारों लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज संस्कृति हम जैसे लोगों की वजह से जिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मानो तो जैसे कई लोग बोलते भी हैं कि हम अपने लिए कमा रहे हैं, खा रहे हैं, किसी के लिए नहीं कर रहे, लेकिन है, अगर जब सरकार गवर्नमेंट बनती है और कोई भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो भी बनते हैं वो भी तो उस सैलरी पे करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, है ना, गवर्नमेंट बैठ के पूरी ज़िंदगी उनको खिलाती है, जो कि जनता का ही होता है पैसा। हाँ जी, जनता का होता है ना। हाँ जी, तो वैसे कलाकारों का है, कलाकारों को भी वो सम्मान, हाँ, वो स्थान मिलना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे आज के डेट में बहुत से कलाकार हो गए, लेकिन जो अपने पारंपरिक के ऊपर गाने सॉन्ग गाते हैं उनको चुन चुन के ऑडिशन होना चाहिए, उनका ऑडिशन करके आए जो भी आए, इस क्राइटेरिया होना चाहिए। हाँ, बस मतलब जो मर्जी, आजकल के डेट पे ये भी है, आजकल के बच्चे, नई जनरेशन जिसके पास पैसे आवाज नहीं है, डी टोन लगा के और आगे आ रहे हैं, हम ये चाहते हैं वो मंच पर भी आए। बिल्कुल, बिल्कुल, मंच पे ओरिजिनल आवाज चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मंच पर। मंच से मैं आपको, मैं एक सवाल ये पूछूंगा कि आपने स्टेज भी किया है कि गाने गाने का, या स्टेज भी करती हैं आप? स्टेज में पहले नहीं करती थी, मतलब काफ़ी बाद में स्टेज, क्योंकि अच्छा, बच्चे छोटे थे, अच्छा, मैंने ज़्यादा टाइम अपने घर को, अपने हस्बैंड, बच्चों को पहले टाइम दिया, छोटे बच्चे थे, और स्टेज जब बाद में मैंने, मतलब स्टेज किया भी नहीं, मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, उस समय इतना मान्यता मतलब स्टेजों की नहीं थी, लोगों ने बोला जब तक तुम स्टेज नहीं करोगे तुम जाने नहीं जाओगे, आजकल पहचान स्टेज से होती है। अब तब से स्टेज में जाने लगे, फिर रोजी रोटी बन गई अपनी, और चलो भैया मेहनत कर रहे हैं तो। तो वही मैं ये आपसे यही सवाल पूछ रहा हूँ कि सबसे पहले आप स्टेज पे कैसे चढ़े और वो क्या किस्सा है, कैसे कहानी है? किस्सा कहाँ था वो, पहले प्रोग्राम मेरा मतलब यही था कहीं, मतलब गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, अच्छा, ऐसे मतलब हॉल में प्रोग्राम था, उस समय भी मेरे आगे खूब बड़े बड़े माइक रखे हुए थे, ऐसे जैसे ये लगा हुआ है, जैसे हम रिकॉर्डिंग के माइक गाते उस समय वही होते थे, हाँ माइक में गाते थे, एक तरफ से मानो तो हाथ पर, मैं तो आंखें बंद करके गई, वही कैसेट चली थी उस समय, कांप रहे थे और सामने से सारे बड़े बड़े नेता लोग देख रहे हैं, बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, आंखें बंद करके, यही उस समय भौजी मनमोजिया कैसेट चली थी मेरी, बहुत सुपरहिट, उसके बाद दाजू मेरा बॉर्डरमा ये चली थी, दाजू बॉर्डरमा भौजी महतमा, इसमें सॉन्ग था दाजू मेरा बॉर्डर है माँ भोजी मैं तो माँ ईजा बोजू बूढ़ा सना जारी खेत है माँ, ये सॉन्ग था। तो स्टेज की तो मत पूछे, स्टेज पे अभी भी मैं ना जिस स्टेज पे पहली बार जाऊँगी मेरी घबराहट वही रहती है, घबराहट हो, हाँ, क्योंकि देखो नई जनता होती है, नए चेहरे होते हैं स्टेज में बैठने वाले, अब एक स्टेज में हम बार बार जाएंगे तो उसमें हमें पब्लिक से भी आदत पड़ जाती है और वहाँ के लोगों को भी जानने लगते हैं, तो वहाँ नहीं होती, मतलब जहाँ हम नई जगह प्रोग्राम करने जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो घबराहट होती घबराहट तो होती बसंती है। जी, मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल ये पूछूंगा कि आपने दिल्ली में ही गाया या दिल्ली के बाहर भी और इंडिया के और हिस्सों में भी आपने स्टेज प्रोग्राम्स करे हैं? मैंने स्टेज प्रोग्राम दिल्ली से बाहर, बड़ौदा, मतलब मुंबई में यहाँ प्रोग्राम किए, मुंबई से मेरे को बहुत प्यार मिला उस स्टेज से, मतलब सस्ता वाले जो थे वहाँ के बहुत प्यार दिया उन्होंने, एक बार नहीं मेरे को 3-3 बार मुंबई बुलाया, क्योंकि उसमें क्या होता है प्रोग्राम जैसे देखा जाता है शुरुआत में, आजकल की जनरेशन क्या होते हैं नाचने वाले गाने वाले, हम वहाँ होता था डीजे सॉन्ग, 5 दिन का प्रोग्राम था तो हमने वही सॉन्ग गाए, जैसे गढ़वाली में भी गा दिए नरेंद्र सिंह नेगी जी के, घुघुती घू रोने लगी मेरा मैते की ये भी गा दिया, और स्लो वाले सॉन्ग, दर्द भर सॉन्ग जैसे ये सॉन्ग गा दिए। तो बाद में उसमें क्या होता है जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाते हैं तो एंडिंग में देखते हैं जो बड़े माने जाने लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, तो ये बोलते हैं कि इस सिंगर को बुलाओ, अच्छा। इन्होंने अच्छा गाया, अपनी संस्कृति के ऊपर गाया, तो मेरी डिमांड वहाँ से आती रही हमेशा। पहली बार गई मैंने कहा कैसे होगा, स्टेज संभाल पाऊँगी नहीं संभाल पाऊँगी, क्योंकि मुंबई की जनता है, लेकिन माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि हर साल डिमांड आते रही। अच्छा, उस प्रोग्राम का नाम क्या है जो प्रोग्राम आप मुंबई में करते हैं? मुंबई में जो प्रोग्राम होता है उसका मुनाल महोत्सव होता है। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पर कोई ऐसा गाना जो आप वहाँ लोगों को आप बहुत पसंद आया हो आपका, जो अच्छा लगता हो लोगों को, अगर वो हमारे दर्शकों को सुनाएं तो? मैंने वहाँ पर तो वैसे गाए, मैंने अपने गाने गाए थे, एक मैंने अपना वो गाया था उसमें, एक था जीजा साली का सॉन्ग था वो भी गाया था, और
एक जो बहुत स्लो गाना था वो अपने कल्चर के ऊपर है, हिमालय में घामा है वो घामा, पहले वो गाया था मैंने वहाँ पर, अपने गाँव की अपने घर की मैं कहूँ छी फामा, वो पहले उसको सुनाऊंगी। हो काका काकी बैठी होला आ मैं की छाऊ माँ हिमाले माँ घमे गयो घामा। ये गाना बहुत सुपर हिट गया मेरा उत्तरांचल सीरीज से, बहुत बढ़िया, बहुत ये लोग पारंपरिक गीत है उत्तरांचल, बॉम्बे में बहुत पसंद किया। हाँ, बहुत पसंद किया लोगों ने, ये स्टेज पे बहुत पसंद, बहुत स्टेज पे बहुत पसंद किया। और उसके बाद फिर मैंने जीजा शाली के ऊपर एक लाल गलड़ा वाला गाया था, उसमें तो दो लाइनें उसकी भी सुना दी जैसे जैसे आजकल के नई जनरेशन जब पुराने हो गांव में काम धंधा करके भाभी लोग दुबली पतली हो जाती है, जैसे दिल्ली आती है भाई लोगों के साथ खूब मोटी तगड़ी होके आती है, उनके ऊपर बनाया था। जब बैठ के गया भौजी दा जुदगाड़ा दिल्ली दा जुदगाड़ा आहा तब बड़ के हगी तुम्हारे लाल गलाड़ा भौजी लाल गलाड़ा आहा जब बड़ के गया भौजी दा जुदगाड़ा दिल्ली दा जुदगाड़ा आहा तब बड़ के हगी तुम्हारे लाल गलाड़ा भौजी लाल गलाड़ा या काजू किसमिस खाई या छुहारे बदामे या दिल्ली में करी तुमले खूब सोरा में या काजू किसमिस खाई या काजू बदामे या दिल्ली में करी तुमले खूब सोरा में ओ हो जब बड़ के गया भौजी दा जुदगाड़ा दिल्ली दा जुदगाड़ा आहा तब बड़ के हगी तुम्हारे लाल गलाड़ा भौजी लाल गलाड़ा। ये गाना बहुत पसंद किया, बहुत ही अच्छा, ये बहुत अच्छा अच्छा गाना है, कैची सॉन्ग है ये, मतलब एकदम जुबान पे चढ़ने वाला, जुबान पे चढ़ने वाली। ये सॉन्ग बहुत पसंद किया, उसको बाद वंस और गाओ इसको, मैंने कहा कोई नहीं तो ये सॉन्ग। और अभी मेरा एक है जैसे तेरी घाघरी जोन शार की रोधियाल म्यूजिक से रिलीज हुआ, हो अच्छा। गया ये अभी लॉकडाउन में रिलीज हुआ था, अच्छा। वो भी अच्छा गया, अच्छा। कम से कम 2.5-3 लाख व्यूज हो गए उसमें, अच्छा, हाँ। तो ये भी मैंने पारंपरिक है तो डीजे सॉन्ग, लेकिन मैंने उसमें जो है अपनी संस्कृति डाल रखी है, जैसे तेरी घाघरी जो ने सारे की पिछड़ी कुमाऊँ की फुटिया चमोली की बोली पौड़ी गड़े वाले की तू इन लागे छे भौजी जिन 16-17 साल की तेरी नख पेरी नथूली टिहरी गड़े वाले की इन लागे छे भौजी जिन 16-17 साल की तेरी नख पेरी बुला के टिहरी गड़े वाले की। इसमें जो कल्चर है ना पूरा, हाँ हिटण माँ लटक त्यारे लगनी जून सहारे की बोली माँ मिठास तेरी पौड़ी गड़े वाले की हिटण माँ लटक त्यारे लगनी जून सहारे की बोली माँ मिठास तेरी पौड़ी गड़े वाले की उम्र तेरी इन लागे जनी 16-17 साल की इन लागे जनी नहीं नहीं ब्याह करी या साल की तेरी लंबी लंबी लटुली भौजी लागे छे कमाल की तू इन लागे छे भौजी जनी 16-17 साल की। ये बहुत सुपर हिट गया, बहुत ही अच्छा, बहुत हाँ अच्छा। आपके गाने सुन के तो मन कर रहा है कि बस गाने सुनते ही जाऊँ सुनते ही जाऊँ। अभी सपोर्ट भी करना, मेरा एक दादू सॉन्ग आ रहा है अभी, ये भी कल्चर के ऊपर बना रखा है, झोड़ा टाइप का है, 2-4 दिन में आ रहा है, इसके भी 2-4 शब्द रोधियाल म्यूजिक से आ रहा है ये भी, जिससे मेरा ये सॉन्ग आया, ये भी कल्चर के ऊपर है, जिसे थोड़ा सुना दूंगी मैं आपको। इसमें यह है
हिठो दिदो यो सहरो की धूल माटी छोड़ी मेरी भूलू म्यारे पहाड़ा झूला। हिठो दिदो यो सहरो की महामारी छोड़ी मेरी भूलू म्यारे पहाड़ा झूला। मेरा दादू राड़े पीना लो मडो झांगुरा मेरी भौजी उती लके खूला। मेरा दादू राड़े पीना लो मडो झांगुरा मेरी भौजी मेरे पहाड़ा खूला। जग सेरा जगनाथ छना हरि को हरि द्वारा शिवो को केला से छुआ बदरी के दारा। जग सेरा जगनाथ छना हरि को हरि द्वारा शिवो को केला से छुआ बदरी के दारा। मेरा दादू झाड़ चाचेरी होई दिवाली मेरी भौजी म्यारे पहाड़ा मनूला। मेरा दादू ठंडी हवा ठंडो पानी मेरी भौजी उती लके प्यूला। हिठो दीदो यो सहरों की धूल माटी छोड़ी मेरा दादू म्यारे पहाड़ा जूला। मेरा काका ठंडी हवा ठंडो पानी मेरी काकी उते लगे प्यूला। अब ये सॉन्ग आ रहा है मेरा, ये आपका सॉन्ग आने हाँ 2-4 दिन में। तो मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलूँगा आपके जो आने वाले सॉन्ग हैं उनके लिए, और आपकी आने वाली लाइफ जो है उसके लिए भी ऑल द बेस्ट बोलूँगा। आपके आपसे बातें करके वो बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसा लगा कि इस प्रोग्राम में इस वाले एपिसोड में तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, सब कुछ आप ही ने बोला, आप ही ने इतने अच्छे अच्छे गाने मुझे सुनाए, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप पूछ सकते हैं और भी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने गढ़वाली भी बना रखा है, उसका भी गढ़वाली में है मिक्स थोड़ा। अच्छा, अच्छा। ये भी कल्चर के ऊपर ही है, तो यही लोग है जो हम लोगों को सदाबहार लोग। तो अभी मैंने गढ़वाली में भी एक सॉन्ग लिखा हुआ है, मतलब गा भी दिया, उसकी डम्मी दे दी। ऐ जावा एक बार घोरे ऐ जावा ये जन्मभूमि तैणी परिणाम कर जावा। थोड़ा 4 शब्द सुनाना चाहूँगी, 2 शब्द इसके। ए जावा एक बार घोरे जावा यो देव भूमि तैणी परिणाम करी जावा। यो छे पितरों की बसाई था ते बाज के ले पड़ेंगे आजे ए जावा। जावा एक बार घोरे ऐ जावा यो देव भूमि तैणी परिणाम करी जावा। यो जन्म भूमि तैणी परिणाम करी जावा। यो छे पितरों की बसाई था ते बाज के ले पड़ेंगे आजे ऐ जावा। ओ लटा ऐ जावा। तो मैं अपने देखने वाले दर्शकों को यही बोलूंगा कि ये थी बसंती बिस्ट जी, जिनसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इनफैक्ट इस मुलाकात में तो मैंने कुछ बोला ही नहीं ज़्यादा, बसंती जी ने अपने गानों से ही हमारे को बहुत मंत्रमुग्ध कर दिया। बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छी उनकी आवाज़ है, और जो गाने के बोल हैं वो और भी अच्छे हैं। वो हमें हमारे कल्चर के पास, हमारे उत्तराखंड में ले जाते हैं। उनकी आवाज़ सुन के ऐसा लगता है कि हम उत्तराखंड में ही बैठे हुए हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय मुझे दिया। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ब्रजेश जी, जो आप हम कलाकारों को ढूंढ ढूंढ के और आगे लेके आते हो, हमारे बारे में इतना कुछ जानना चाहते हो, पब्लिक तक पहुँचाते हो। शायद कहीं पहुँच भी नहीं पाएंगे। देखिए हर कोई अपना अपना प्रयास करेंगे तो आगे पहुँच ही जाएंगे। जरूरी नहीं है जो जनता आपसे जुड़ी हो हमसे जुड़ी है, वहाँ तक आप लोग हमें पहुँचाते हो ढूंढ ढूंढ के, उसके लिए धन्यवाद आपका। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कलाकार जनता के सामने जाने चाहिए, आपके बारे आपकी आवाज़ तो वो हर बार स्टेज पे सुनते हैं, पर आपके बारे में भी अगर वो जानना चाहें तो आपके बारे में भी उनको पता चलना चाहिए। बारे में जानना चाहेंगे तो वो कहानी जो है ना, वो देखो दर्द जो अंदर का दर्द है, एक कलाकार की यही परेशानी है। घर दिल में चाहे कितना भी दर्द हो लेकिन वो मतलब परफॉर्म। मैं कह रही हूँ जब मेरे हस्बैंड गुजरे थे नवंबर में, और नवंबर दिसंबर से मेरे को स्टेज पे चढ़ना पड़ा,
मैंने कहा मैं कैसे जाऊँ सतलज के मांग सिंदूर भर के। फिर मैं दिल्ली की संस्था और जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने बोला कोई नहीं बिष्टी जी, बस आप स्टेज पे खड़े हो जाओ, गाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो पेमेंट है वो बता दीजिए, वो आपको मिल जाएगी। अगर आप घर बैठ जाएंगे इस समय तो फिर आप खड़े नहीं हो पाएंगे। उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, पूरी जनता ने, पब्लिक ने, और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और उसके लिए माफ़ी भी चाहती हूँ आपको। कई दिनों से मैं थोड़ा नहीं, कोई नहीं, धन्यवाद क्योंकि सिचुएशन ये हो गई थी, कोरोना वैक्सीन लग रही थी, बीमार पड़े हुए थे सारे। कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अपने देखने वाले दर्शकों का भी धन्यवाद कहूँगा कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। धन्यवाद दर्शकों, धन्यवाद आप सभी का। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपनों का भी। तीसरी लहर आ रही, प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, मास्क ज़रूर पहनें और अपने बच्चों को स्वस्थ रखें।